क्रिस में मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से हम प्रभु येसु क्रिस्ट के वचनों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 तक हम इसमें कई बातें सुनते हैं और उन बातों पर मनन चिंतन करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। विशेष रूप से आज के इन वचनों में हम आत्मत्याग पर मनन करेंगे। आत्मत्याग हमें हमेशा जीवन में बढ़ने का एक मौका देता है। प्रभु येसु क्रिस्त हम सभी से कह रहे हैं, जो मेरा शिष्य होना चाहता है वह आत्मत्याग करे, वह अपना क्रूस उठाए और प्रभु के पीछे चल दे। प्रभु आज अपने इन वचनों में एक और विशेष बात कह रहे हैं कि वह अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपनी पत्नी और हर किसी को छोड़कर उन सभी से अलग होकर आगे बढ़े। प्रभु का कहना किसी भी हद तक यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं या सिर्फ हम उन बातों को सोचें कि मैं केवल ईश्वर में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य ये अलग चीज होती है, परंतु प्रभु ने हमें जो बुलावा दिया है उस बुलावे को पहचानना भी बहुत अधिक ईश्वर की बातों में विश्वास करने के लिए हमें मजबूती प्रदान करता है। आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों और अपने कर्तव्यों में अंतर करना सीखें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि यदि हमें हमारा परिवार दिया गया है तो हम जो हमारे उसके प्रति कर्तव्य हैं उसको समझें, परंतु यदि हम उसमें अधिक महत्व देते हैं, हमारे लिए केवल अपना परिवार और बाद में ईश्वर है, तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम अपने कर्तव्यों से भाग जाएं। अवश्य ही जब हम एक परिवार में रहते हैं तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हम पूरी करें, परंतु उन आवश्यकताओं को पूरी करने के चक्कर में यदि हम अकर्तव्यों में ही फंस कर रह जाएं और हम उस महत्व को भूल जाएं जिसमें प्रभु ने कहा है, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, आत्मत्याग करो। आत्मत्याग तभी संभव है जब हम कर्तव्यों में, जिम्मेदारियों में और अपने महत्व में इन चीज़ों में अंतर करना सीखें। प्रभु आज आपको और हमें यह मौका दे रहा है कि हम इस बात को समझ सकें कि प्रभु का बुलावा जिन लोगों के लिए मिलता है वह एक बात हमेशा अवश्य ध्यान में रखें कि सबसे पहले ईश्वर की आज्ञा, और ईश्वर की आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी को प्रेम करें। मेरा पड़ोसी है कौन? हर एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी है जिसके प्रति मैं प्रेम रखता हूँ। प्रभु ने आज हमें इसीलिए बुलाया है कि हम अपनी उन बातों में विश्वास कर सकें कि प्रभु ने मुझे बुलाया है, और यदि मुझे बुलाया है तब मेरा व्यवहार, मेरी बातें उसी प्रकार हो जो प्रभु को प्रिय होती है। आज प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि हम अपने उन कर्तव्यों को अवश्य पूरा करें, परंतु उसमें ज़्यादा महत्व ना दें, महत्व प्रभु की उन बातों में दें कि मुझे प्रभु का शिष्य बनने का मौका मिला है, और यदि मैं शिष्य हूँ तो शिष्य होने का फर्ज भी मुझे निभाना है। एक सच्चा शिष्य वही है जो प्रभु की बातों पर अमल करता है, प्रभु की शिक्षाओं पर चलता है, और यह शिक्षाएँ इतनी आसान नहीं हैं, प्रभु की राह आसान नहीं है। यदि मैंने अपने जीवन में प्रभु का शिष्य होना तय किया है तो मेरी राह कठिन होगी। यदि आपने अपने जीवन में लोकधर्मी रहते हुए भी, चाहे आप वैवाहिक जीवन जी रहे हों, चाहे सांसारिक जीवन जी रहे हो, उसके साथ प्रभु में प्रभु के शिष्य बनना तय किया है, तो प्रभु की इन बातों में विश्वास करें कि अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए प्रभु के प्रति जो समर्पण है उस समर्पण को हम याद करें, तभी हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सकते हैं।